ही गांव से नकली दूध बनाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ मौके से नकली दूध और मावा भी बरामद हुआ है। बताया गया कि ये लोग नकली दूध, पनीर और मावे की सप्लाई देहरादून में करते थे। तो 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर दिया गया है। आपको बता दें, नकली दूध, मावा और पनीर बरामद किया गया है। सैंपल्स यहाँ पर से ले लिए हैं और मावे बनाने का यहाँ पर खुलासा हुआ है। नकली तौर पर यहाँ पर मावा दूध बनाया जाता था और उसको फिर सप्लाई किया जाता था। विकास नगर में कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो विकास नगर के भुद्दी गांव में ये नकली दूध बनाने का काम चल रहा था, जिस पर खाद्य विभाग और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। मयंक इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, कब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या क्या पता लग पाया है? देखिए शिल्पा, दरअसल इसमें हुआ यूं था कि देहरादून का जो रेसकोर्स इलाका है, मोस्ट पॉश कॉलोनी है, यहाँ पे विधायक हॉस्टल है और तमाम सारे जो वीआईपीज हैं वो इस इलाके में रहते हैं जी। पुलिस को दरअसल ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पे कुछ जो दूध और जो पनीर वगैरह आ रहा है वो ठीक नहीं है। ये पता किया गया कि दरअसल ये दूध और पनीर आता कहाँ से है, तो पता लगा कि ये बुड्ढी गांव है जो विकास नगर तहसील है, खासतौर पे हम खाद्य सुरक्षा विभाग की बात करें, उनके तहसील के अंतर्गत ये बुड्ढी गांव पड़ता है। वहाँ पे टीम ने छापेमारी की तो फुरकान जो मेन शख्स है वहाँ का, वो अपने 5 लोगों के साथ उसको गिरफ्तार किया गया और वहाँ बड़ी संख्या में जो पनीर, तकरीबन बताया जा रहा है 1.5 क्विंटल के आसपास पनीर बरामद किया गया है और जो नकली तरीके से तैयार किया गया था, काफ़ी बदबू उसमें आ रही थी। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन एक जो बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इसकी सप्लाई देहरादून के कई इलाकों में की जाती थी, जहाँ पे ये गांव है, बुड्ढी क्षेत्र जो है वहाँ पे तो की ही जाती थी, लेकिन ये जो नकली दूध और पनीर तैयार होता था ये देहरादून तक पहुँचता था। और निश्चित तौर पे जिस तरह से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से जो कार्रवाई की है, ये बताता है कि ये मामला कहीं ना कहीं बड़ा है और यही वजह है कि एक बड़ी टीम तैयार करके इसमें छापेमारी की गई। काफ़ी सारा सैंपल भी इसमें लिया गया। अब देखना ही होगा कि सैंपल में क्या कुछ निकल के सामने आता है। और जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी से बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि जो मौके पर पनीर बरामद हुआ उसमें काफ़ी बदबू आ रही थी, तो वहीं से ये शक जो था ये पुख्ता हो गया कि ये नकली है। वहाँ काफ़ी सारी सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है, देखना होगा कि जांच के बाद इसमें क्या कुछ सामने आता है। सलपा, बिल्कुल, यहाँ पर 5 लोगों की गिरफ्तारी भी मैंने बताई जा रही है। इन लोगों से क्या कुछ पता लगता है यहाँ पर कि कितना बड़ा रैकेट एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि कई और जगह भी ये लोग इस तरीके से काम को अंजाम देते होंगे और वहाँ से नकली दूध मावा जो आज से नहीं चल रहा था, बहुत लंबे समय से यहाँ पे ये काम चल रहा था। और जब जानकारी मिली है पुलिस को, बैंक रोकने चाहेंगे। रमेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। रमेश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। रमेश जी, क्या कुछ पता लग पाया जब यहाँ पर छापेमार कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है? कितने समय से यहाँ पर उस तरीके से नकली दूध और मावा बन रहा था? नकली पनीर और ये घी था। बेसिकली क्या हुआ कि वो विकास नगर तहसील में है जी, विकास नगर तहसील दूसरे के पास है, लेकिन सूचना मिलने पर हमको आदेशित किया गया कि आप लोग जाकर खुद कार्रवाई करिए। तो वहाँ पर जो पनीर बनाया जा रहा था, बट अनहाइजेनिक कंडीशन में, बहुत गंदी स्थिति में बनाया जा रहा था, चारों तरफ गंदा गंदगी स्थिति थी और पनीर में बदबू आ रहा था और घी भी हमको लगता है बहुत पुराना था, उसमें भी वास आ रहा था, बदबू आ रहा था। हम सैंपल लेकर लेबोरेटरी भेज दिए हैं और मौके पर ही उसको अनहाइजेनिक कंडीशन के आधार पर उसको डिस्ट्रॉय करा दिया गया। सर, तकरीबन कितने समय से लगभग यहाँ पर ये सब काम चल रहा होगा? कितने समय से यहाँ पर नकली दूध मावा बन रहा होगा? मावा ने पनीर और घी था। बेसिकली वो बता रहा था कि 4 महीने से, गाँव वाले भी बता रहे थे कि 4 महीने से यहाँ पर वो काम कर रहा है जी, क्योंकि गाँव में खेतों में था वो, तो किसी का ध्यान गया नहीं, खेतों के इंटीरियर में वो अपना काम कर रहा था 3 सेट लगाकर। चले, बने रहे आप हमारे साथ। श्वेता सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, एसपीसीटी। बहुत स्वागत है मैम आपका। श्वेता जी, क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है कहा जा रहा है। जी सर, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। द्वारा मुखबिरा में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बुड्ढी गांव जो है वहाँ पे एक मकान में बेसिकली इन्होंने फैक्ट्री के रूप में एक मकान वहाँ पे जो है वो हायर कर रखा था और बना रखा था। वहाँ नकली पनीर और घी जो है वो बनने की सूचना आई थी। उसपे जो है टीम गठित की गई और इसमें साथ में खाद्य सुरक्षा विभाग को भी सम्मिलित किया गया था और वहाँ पे रेड मारी गई। तो लगभग जो है 1 क्विंटल नकली पनीर और 2 क्विंटल जो है हमको नकली देसी घी जो है वो मिला।
जी श्वेता जी, और जगह पे क्या ये कार्रवाई फिलहाल की जाएगी, क्योंकि गांव में संचालित किया जा रहा था, पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मावा और घी यहां पर नकली बनाया जा रहा था, और जगह भी इस तरीके का कहीं ना कहीं काम किया जाता होगा, तो कार्रवाई और भी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी, जहां पे भी हमें इस तरह की सूचना मिलेगी तो साथ में जो है खाद्य सुरक्षा विभाग को भी साथ में सम्मिलित करके हमारी टीम द्वारा इसमें काम किया जाएगा। बिल्कुल श्वेता जी, पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ में कुछ सामने निकल के आ पाया है, कितने समय से ये लगातार काम कर रहे थे इस तरीके से? ये लगभग अभी पता चला है, क्योंकि अभी इनकी पूछताछ चली रही है, इंटरोगेशन अभी जारी है, तो ये पता चला है 4-5 महीने से ये लगातार काम कर रहे हैं, पर अभी इंटरोगेशन में कई और चीजें निकल के आएंगी, तो उसके बाद उस हिसाब से हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर क्योंकि एक गोदाम की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सर्टन गाँव से अलग यहाँ पर ये गोदाम था जिसमें सब काम किया जा रहा था, या गाँव के बीच में ही कहीं पर ये गोदाम था? ये विद इन गाँव पे जो है उसके सामने ही एक खेत था, वहां पे ये फैक्ट्री ऑपरेट हो रही थी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका श्रद्धा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एसपी सिटी हमारे साथ थी और खाद्य विभाग से भी हमारे साथ रमेश जी जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मयंक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मयंक, जाहिर तौर पर इस तरीके के काम लगातार किए जाते हैं, और अब क्योंकि ये एक्शन लिया गया है और अब आगे कहा जा रहा है कहीं ना कहीं और भी छापे होंगे, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शायद और भी नए मामले सामने निकल के आएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे जो काम है वो होते रहते हैं लेकिन नजरों से कहीं ना कहीं बच जाते हैं। देखिए शिल्पा, जिस तरह से अभी घी और पनीर की बात की जा रही है, मैं ये बता दूं कि जो हमारे सूत्रों ने बताया है हमें कि वहां पे काफी सारा दूध भी था, जिसको जो टीमें आई हैं, तो ये जो इलाका है बेसिकली बुड्ढी गांव का, वहां से खेत है और खेत के बाद ये गोदाम बनाया गया था जहाँ पे ये सारा काम चल रहा था। दूध को जो है पास का एक नाला था वहां बहा दिया गया, दूध भी वहां नकली काफी मात्रा में था जिस तरह की जानकारी हमें मिली है, लेकिन मौके से जिस तरह से घी बरामद हुआ है और जो अधिकारी खुद बता रहे हैं कि घी से काफी बदबू आ रही थी, पनीर से बदबू आ रही थी, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं शिल्पा, इनकी सप्लाई देहरादून के पौस इलाकों में हो रही थी। फिलहाल जो पूछताछ जारी है, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पांच लोग पकड़े गए हैं, जो फुरकान मेन इनका टीम का लीडर है, उनके साथ जो और लोग हैं, उनसे पूछताछ जब कंप्लीट होगी तब ये स्थिति साफ हो पाएगी कि वास्तव में ये दूध की सप्लाई कहाँ कहाँ होती थी। जिस तरह की जानकारी हमें शिल्पा मिल रही है वो जानकारी कुछ बेहद हैरान करने वाली है। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सीएम आवास के आसपास का इलाका है वहां ये दूध सप्लाई की जाती थी, वहां ये पनीर और घी सप्लाई किया जाता था। काफी हैरान करने वाली चीज है कि पॉश एरिया में इसकी सप्लाई हो रही है और सीएम हाउस के आसपास भी इसकी सप्लाई दी जा रही है। बहरहाल कार्रवाई की गई है निश्चित तौर पर, आगे और एक्शन लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मयंक तमाम।